नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महासंग्राम 2024। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तमाम उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं, अलग अलग मुद्दे बनकर छाए हुए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से वार पलटवार चल रही हैं, उम्मीदवारों के बीच जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, बात कर रहे हैं हम अलग अलग उम्मीदवारों से, उस सीट पर, उस समीकरण पर चर्चा कर रही हैं। महाबल मिश्रा जो कि पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार, इस लिहाज से क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, 4-3 का फार्मूला, और ऐसे में पश्चिमी दिल्ली सीट से महाबल मिश्रा उम्मीदवार हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। महाबल मिश्रा एक ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर पहचान रखते हैं जो वो कई बार विधायक भी रहे हैं, और इसके बाद जिस तरीके से उनका सियासी सफ़र रहा है वो खासा दिलचस्प रहा है। पार्षद से उन्होंने शुरुआत की है, तो ऐसे में महाबल मिश्रा जी आपसे जाने बेहद दिलचस्प हो जाता है कि जब आप इस सीट पर समीकरण की बात करते हैं तो वो क्या पहलू हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ये नज़र आ रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा? नमस्कार, मैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा बोल रहा हूँ और वर्तमान में पश्चिमी दिल्ली से इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के रूप में हूँ। आज आपने ये पूछा तो आज जनता के मन में बहुत रोष है, क्योंकि जनता को मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन गारंटी शब्द से अब नफरत होते जा रहा है। जो गारंटी 2014 में दी गई थी, 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ युवा को प्रति वर्ष नौकरी मिलेंगे, महंगाई घटेगी, किसान को दुगुना इनकम होगा, दाम दिया जाएगा, इस तरह की बहुत, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सोल्व की जाएगी, बहुत ये चीज थी, लोक लुभावन नारा था, वो लोग देखा। तो अब लोगों में ये है जो उनकी गारंटी झूठी होती है, खोखली होती है, और केजरीवाल का गारंटी जो बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को बस फ्री, महिलाओं को 1,000 रुपये सम्मान राशि देने की बात उन्होंने किया, बुजुर्गों का आज तीर्थ यात्रा करने के बाद शिक्षा के पद्धति में जिस तरह से आज स्कूल, अच्छे स्कूल बने हैं। आज पहले हम लोगों के आता था लोग जो बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाइए, अब पब्लिक स्कूल से बच्चे को लेके आता है जो गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। तो इस तरह के शिक्षा के, हेल्थ में, आज हेल्थ में इतना प्रोग्रेस हुआ है जो MRI और CT स्कैन जैसे महंगी जो टेस्ट है वो भी आजकल फ्री हो रहा था, होता है, मोहल्ला क्लिनिक में जाकर गरीब आदमी इलाज कराता, फ्री इलाज होता है। तो इस तरह से मोदी जी की गारंटी जुमला बन जाता है और केजरीवाल की गारंटी घर घर में दिखाई देता है। और ये परिवर्तन जो खास तौर से हम देख रहे हैं इस सीट पर, ये भी हुआ है कि यहाँ पर प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं मिला, नए उम्मीदवार हैं आपके सामने कमलजीत सहरावत, BJP उम्मीदवार, वो भी जमीन से जुड़ी हुई नेता मानी जाती हैं, तो एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, आप पत्रकार हैं, वो एक पार्षद है, पार्षद एक बार मेयर भी नहीं, मैं उनके ऊपर कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन आप भी जानते हैं जो एक पार्षद का दायरा, मेयर का दायरा, वो पॉलिसी बनाने में नहीं होता। राज में जो MLA बन के जाता है वो कमिटी में होता है, पॉलिसी बनाने में कोई चेंज करना हो वो करना पॉलिसी में आता है, मेंबर पार्लियामेंट पॉलिसी बनती है, पॉलिसी है। तो बात है, मेरा एक्सपीरियंस, मैं आर्मी से रहा, एक सर्विस का एक्सपीरियंस, इसके बाद एक बार पार्षद, 3 बार MLA, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, और 12 साल DDA का सदस्य रहा। मास्टर प्लान बना, 80 संशोधन हमने मास्टर प्लान में दिया, तो एक मेरा लंबा अनुभव है। लोग इसकी तुलना करते हैं जो महाबल मिश्रा का एक लंबा अनुभव है, और उनका अनुभव नहीं है, 5 वर्ष सीखने में लगेगा, लोग तुलना करते हैं, तो तुलना करते हैं तो कहते हैं महाबल मिश्रा का जो है, जो एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, अनुभव को वरीयता दे रहे हैं आप, अनुभव जमीनी बनाम जमीनी नेता की लड़ाई नहीं मानते आप इसको? मैं जमीनी नेता कहाँ से रहे, भाई पार्षद का एरिया कितना बड़ा, पार्षद का एरिया कितना बड़ा, आप देखिए, मैं 3 बार MLA रहा, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, और DDA का सदस्य, पूरे दिल्ली का मैं मास्टर प्लान को बनाया,
तो मेरे तो पूरा दिल्ली के बारे में जानकारी है। पार्षद एक एरिया लिमिटेड एरिया होता है, मैं भी पार्षद रहा तो लिमिटेड एरिया था, तो पार्षद का लॉ है जो भाई एक पार्षद दूसरे छत का सवाल नहीं उठा सकता, MLA का लॉ है जो भाई स्टेट का कोई भी उठा सकता, MP का लॉ हिंदुस्तान का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, तो ये तीनों में बड़ा अंतर है। इसीलिए लिमिटेड एरिया का नहीं आदमी, मैं पूरे हिंदुस्तान में हम पॉलिसी को जानते हैं, इसलिए मुझे लोग कहते हैं। मेरा पहले भी नारा था काम किया काम करेंगे जन जन का सम्मान करेंगे, तो मैं जो भी काम किया लोगों के हित का किया, तो मैं कभी आप तो पहले भी देखे हैं हम तो अपनी सरकार को भी घेरते थे। विधानसभा से लेकर संसद तक का सफ़र आपने तय किया, कांग्रेस के बतौर सांसद भी आपने काम किया, एक वो अनुभव भी आपके साथ जुड़ा रहा। ये जो सीट है अगर देखें तो पूर्वांचल के लिए, और ख़ासतौर से यहाँ पर पूर्वांचल की बात करें, सिखों की बात करें, पंजाबी कास्ट की बात करें, ये जो समीकरण बनकर उभर रहा है, इसमें महाबल मिश्रा को क्या आसान सफ़र नज़र आता है इस पूरे माहौल में, जबकि सियासत बटी हुई दिखाई दे रही है? देखिए लोग तुलना करते हैं जो 10 वर्ष BJP की सरकार रहा, यहाँ BJP की सरकार के समय कोई काम नहीं हुआ, लेकिन महाबल मिश्रा जब मेंबर पार्लियामेंट था तो खेड़ा डावर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाके हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया, दादा देव हॉस्पिटल का निर्माण कराया, सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी का हॉस्पिटल का निर्माण कराया, दिल्ली हार्ट का निर्माण कराया, और कोर्ट के सामने द्वारका कोर्ट के सामने जो 750 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया था, जिसको 1750 बेड का किया है केजरीवाल जी, तो केजरीवाल को धन्यवाद देता हूँ जो भाई वो उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में सोचा। और इतना ही नहीं, नजफगढ़ में 28 फरवरी 2014 को मैं पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट का और मेडिकल कॉलेज का प्लस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था, उस समय पेमेंट कर दिया था, वो अब बनकर तैयार हुआ, तो रिबन काटे हैं, तो महाबल में CGS का डिस्पेंसरी बनाया, तो महाबल मिश्रा इतना काम किया, तो काम की तुलना करते हैं अब एलिवेटेड रोड जनकपुरी से लेके जो आप पीड़ा घड़ी तरफ जाते हैं, आज़ाद मार्केट तरफ जाते हैं, एलिवेटेड रोड बनवाया, नाला ढक के रोड बनवाया, ये फ्लाई ओवर बनवाया, तो लोग काम गिनते हैं, जनकपुरी से लेके कालंदी कुंज, जनक ककरौला मोड़ से लेके नजफगढ़ मेट्रो पहुंचाया, तो लोग काम गिनते हैं जो महाबल मिश्रा इतना काम किया, लेकिन 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए महाबल मिश्रा को दोबारा लाओ जो विकास होगा। ये परिवर्तन आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जो आपके बतौर सांसद या विधायक वो कामकाज हुए हैं वो कितने बड़े काम आप मानते हैं, और इसमें आप जब आगे के लक्ष्य तय कर रहे हैं तो वो कौन से कामों को प्राथमिकता देने वाले हैं आप? मैं प्रत्येक क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जो युवा जो हैं युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना के उसमें नौकरी करने का हो या व्यापार करने का हो, इस तरह का स्किल डेवलपमेंट बनाऊंगा जिससे युवा को फ़ायदा होगा, युवतियाँ को फ़ायदा होगा। और पश्चिमी दिल्ली में मैं 2013 में हाउस में उठाया था, हजारों एकड़ ज़मीन है ग्राम सभा का, तो यूनिवर्सिटी बना हुआ है सिर्फ न्यू दिल्ली में, तो पश्चिमी जिला कम्प्लेक्स बनना चाहिए, वेस्ट कम्प्लेक्स बनना चाहिए, यहाँ एक कॉलेज बनाने का और यूनिवर्सिटी बनाने की बात करूँगा पश्चिमी दिल्ली में। और मेट्रो को नजफगढ़ से लेके वो नांगलोई, नजफगढ़ से जयपुर रोड को जोड़ने का काम करूँगा। महाबल जी, ऐसे वक्त आपसे बात हो रही है जब राजनीतिक समीकरण जमीन पर बदले हुए हैं, ख़ासतौर से अगर देखें आपके सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो जेल में हैं, तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। देखिए ये चुनौतीपूर्ण मैं मानता हूँ है, लेकिन उनको अरेस्ट होने के बाद लोगों की भावना इतना है, लोगों के आँखों में आंसू है, जो पब्लिक हित की बात करे उनको आपने अरेस्ट कर लिया है, बंद कर दिया है, तो आखिर कोई सबूत तो हो, सबूत तो है नहीं। अब देखे संजय सिंह को 2 महीना के बाद कोई सबूत नहीं मिला, जमानत देना पड़ा, अभी तक मनीष सिसोदिया के पास कोई सबूत नहीं मिला है, सत्येंद्र जैन के पास कोई सबूत नहीं मिला, तो केजरीवाल जी का सबूत क्या मिला? तो आप भी अक्षित आदर रेडी अरेस्ट था, जो उन्होंने कहा शराब कांड में जो कहा था उसमें शराब के पैसे में, तो वो अरेस्ट था।
वो सरकारी गवाह बन गया, सरकारी गवाह बना, 10 दिन के बाद वो बाहर निकला, सरकारी गवाह बन गया, 5 करोड़ रुपया उस समय दिया और बाद में 60 करोड़ का इलेक्टोरल बाउंड बीजेपी का खरीदा। तो भ्रष्टाचारी कौन है? तो वो रेडी कहा जो मैं 100 करोड़ रुपया दिया गोवा के चुनाव में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपने बाउंड खरीदा, इलेक्ट्रिक बाउंड जो परचेज किया वो तो एक नंबर में है। तो आपने जो आदमी सरकारी गवाह जिसको बनाया वो 60 करोड़ का बाउंड खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन महावल जी, जमीन पे तो ये मैसेज जा रहा है कि आपके नेताओं को राहत नहीं मिल रही है, अदालत से उनको छूट नहीं मिल रही है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी हमलावर है। कि जब अदालत छूट नहीं दे रही है तो फिर हम पर दोष क्यों दे रही है? भ्रष्टाचार हुआ है सर, आप पत्रकार महोदय हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं धुआ वो। उन्होंने आरोप लगाया जो महाराष्ट्र में आपने देखा, आज वो डिप्टी CM है, मैं नाम नहीं लूँगा, आज डिप्टी CM है, कहा 70,000 करोड़ का घोटाला और ED CBI छापा मारा अजीत पवार पर, है ना, छगन भुजपल, हेमंत बिस्वा कहा, अब वो ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया। उसी तरह से यदि ये बात मान लेता मनीष सिसोदिया और मान लेता केजरीवाल और बीजेपी के अनुसार काम करता तो शायद इनको भी अरेस्ट नहीं करता। अरेस्ट करने का कारण है, सभी स्टेट के मुख्यमंत्री कहा इनसे, जो दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को बस फ्री, शिक्षा फ्री और बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा फ्री, इस तरह की जो है तो अन्य स्टेट में क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा जो हम लोग कोई केंद्र से मदद नहीं करते हैं, वो स्वयं जो टैक्स की पैसा बचता उस टैक्स के पैसा से बच के वो लोगों को देते हैं, तो उसको तो आप रेवड़ी कहते हैं, लेकिन लाखों करोड़ बड़े बड़े धन्ना सेठ का जो लोन लिया था आपने माफ़ कर दिया, लोन माफ़ कर दिया, बहुत सारे को तो आपने भगा दिया है, देश से भगा दिया। और ये जो बंद किया वो सारे स्टेट वाला कहा, जो नेशनल पार्टी का हेड है वो हर स्टेट में जाके इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रचार करेगा कि हम ऐसे फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको किसी तरह से बंद किया जाए, तो बंद हुआ है। बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचारियों ने हाथ मिला लिए, एक तरफ कांग्रेस का जिक्र करते हैं, आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं, आपके गठजोड़ का जिक्र करते हैं, तो ये भ्रष्टाचारी तो ये हैं, लेकिन जो गौ माता की बात आप करते थे, गौ माता वो स्लॉटर हाउस से 250 करोड़ का अपने इलेक्टोरल बाउंड खरीद दिया है। एक तरफ गौ माता कहते हैं और एक स्लॉटर हाउस से 250 करोड़ रुपये का आप इलेक्टोरल बाउंड खरीदते हैं, तो ना माता गौ माता के हैं ना पब्लिक के हैं, तो आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अभी जो लड़ाई चल रही है हम देख रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति भी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं इंडिया गठजोड़ की ओर से, ध्रुवीकरण किया जा रहा है वोटों का, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। दूसरी तरफ अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो संविधान का जिक्र हो रहा है, OBC अन्य ST वर्ग के आरक्षण को बचाने की मुहिम, अब डिफेक्ट का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे ये छाए हुए हैं। आप तो बहुत सीनियर हैं पत्रकार हैं, पहले जो चुनाव होता था तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन कैसे होगा, जब बच्चों को नौकरी का मिलेगा, सरकार ऐसा व्यवस्था करती थी जिससे नौकरी का सृजन होगा तो नौकरी भविष्य उज्ज्वल होगा बच्चे का, महंगाई कैसे घटेगी, इस सब पर प्लान बनता था। अब प्लान कहाँ बनता है, अब तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का प्लान है। भाई हम हिंदू हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य का निर्माण तो तभी होगा जो अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा हेल्थ होगा और बेरोजगारी दूर होगी, तभी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। हम तो धन्यवाद देते हैं राजीव गांधी जी को, यदि ये नहीं लाया होता तो ये लेके कहाँ हम घूमते, तो ये हाईटेक लाए तो आज देश में कंप्यूटर पर जो नौकरियाँ हो रहा है, आज घर बैठे लोग नौकरी कर रहा है, तो ये हाईटेक लाया तब ना। तो ये बात आपने करते, आपने कहा था किसान का दुगुना आय करेंगे,
दुगुना के बदले 1.5 साल तक किसान रोड पर पड़ा रहा, आपने कांटा बिछा दिया, बैरियर लगा दिया और 700 किसान मरे भी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को 5 मिनट समय नहीं मिला जो किसान से बात करें, बताइए। तो इस तरह के आज सरकार है, आपने देखा ही है इसमें किस तरह से हुआ है। लोकसभा चुनाव का जब मुकाबला होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे वो छाए रहते हैं और स्थानीय मुद्दों को कितनी तवज्जो मिलेगी इस चुनाव में उसकी भी परीक्षा रहती है। तो ये चुनाव जो होगा राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दों के साथ होगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। कोई चैलेंज जनता, देखिए मेरा दक्षिण भारत में पोस्टिंग था, मैं आर्मी में था, तो कहते थे नेता हमारा वो है जो हमारे सुख दुख में आवे, नेता हमारा वो है जिसके यहाँ जाऊँ तो पहचाने, और नेता वो हमारा है जो क्षेत्र का विकास करेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। तो 10 साल में यदि इतना ही विकास किया होता 6 MP का टिकट क्यों काटा है? तो अपने आप साबित कर दिया जो नहीं काम किया है, अपने आप 6 MP को टिकट काट के साबित कर दिया जो कोई काम नहीं किया है, निकम्मा है। तो भाई बात ऐसी है, आप स्वयं में साबित कर दिए, तो जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है जो अब नया कैंडिडेट लाया वो उसकी क्या गारंटी है जो काम करेगा। अच्छा, ये जो आपके सीट पर जिस तरीके से अचानक ये जब कैंडिडेट अनाउंस होने थे और जिस तरीके से नाम सामने आया कमलजीत सहरावत का, प्रवेश वर्मा, ये माने जा रहे थे कि एक युवा नेता और साहिब सिंह वर्मा के बेटे उनका टिकट तय है, तो तब क्या जहन में आया जब नए देखें तो यहाँ पर इस सीट पर नया उम्मीदवार मिला? मुझे इस बात की नहीं जानकारी है, वो तो पार्टी जाने जो किस वजह से टिकट काटा है या नहीं काटा है। 6 को टिकट काटा है तो मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा वो पार्टी की अपनी सोच है, समझ है, क्या किया उनका वो है, मुझे उस बारे में। अभी जो इंडिया ब्लॉक में और जिस तरीके से गठजोड़ हुआ है कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ, इसमें घमासान देखने को मिल रहा है, चाहे वो हम देखें उदित राज की सीट को लेकर या फिर कन्हैया कुमार की सीट को लेकर, और हरिंदर सिंह लवली ने इस्तीफा तक दे दिया। नेता में जो घमासान हो, जनता में घमासान है, जनता ने तय कर लिया है, हर जनता कहता है हम केजरीवाल हैं और केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ है, जो पब्लिक हित के काम करे उसको जेल में बंद करो, और जो तुमने 7,000 करोड़ लगभग इलेक्ट्रोल बाउंड खरीद लिया है, और आप जानते हैं जो बहुत सारे जिस पर छापा पड़ा, ED का छापा पड़ा था, बहुत सारे को आपने टिकट भी दिया है, तो BJP का वॉशिंग मशीन में धुल गया तो टिकट मिल गया है, जो नहीं माना उसको नहीं, इलेक्ट्रोल बाउंड से पैसा कलेक्शन हुआ हो। ED और CBI देश को चला रहा, ED और CBI के डर से, क्या पता ED CBI आज मैं इंटरव्यू दिया कल मेरे पास भी पहुंच जाए, ये डर है आपको? है, कब पहुंचेगा क्या पता है, लेकिन हम डरते तो काहे डर रहे? बोलते क्यों? ये जो आप देख रहे हैं, जब ये कहते हैं ना कि एकजुट होकर चुनाव लड़ना, जब इसमें एकजुटता की बात आती है तो ये भी होता है कि गठजोड़ भी एकजुट रहे, और जब गठजोड़ एकजुट की बात आती है तो उनकी पार्टी के नेता एकजुट रहे, लेकिन ये जो दूसरी तरफ घमासान देख रहे हैं आप, क्या असर डाल सकता है यहाँ पर गठबंधन की? नहीं, आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो जितना इंडिया गठबंधन के जितने विचारधारा के लोग हैं, जितने पार्टी का, सारे पार्टी के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, सारे पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के जो पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, सारे हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे स्टेज पर बैठ के भाषण देते हैं। लेकिन जब कन्हैया कुमार का या दूसरे प्रत्याशी का विरोध होता है तो इसका असर क्या नहीं पड़ता? हाईकमान का फैसला था, मुझे जानकारी नहीं है प्रदेश अध्यक्ष का क्या उसमें विचार था या प्रदेश के क्या विचार था, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो हाईकमान का फैसला तो टिकट मिला, टिकट तो कोई एक आदमी देता नहीं, हाईकमान का फैसला। कई बड़ी बातें लिखी हैं अरविंदर सिंह लवली ने, आप तो पूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं, अगर कांग्रेस की राजनीति के मिजाज को समझें तो क्या निकल कर आता है, क्या देख रहे हैं आप इस पूरे एपिसोड में? अरविंदर सिंह लवली जी क्या लिखे हैं मुझे वो जानकारी नहीं है, और हाईकमान फैसला किया तो उसके पीछे क्या रहा होगा, वो हाईकमान में वो मीटिंग में तय हुआ होगा, उसके विषय में मैं नहीं कहूँगा। मैं तो इतना कहूँगा इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ काम करते हैं। आपके साथ एकजुट हैं और आप इस चुनाव को जीतने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम मुद्दे जो खास तौर से हम BJP की ओर से जो देख रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने खास रणनीति तैयार की है दिल्ली के लिए, उसमें उन्होंने न सिर्फ कैंडिडेट बदले हैं बल्कि एक खास कैंपेन भी शुरू किया है,
उसमें आप कितना यहाँ अपने आप को सहज तौर पर देखते हैं, देखिए कैसे इसका जवाब देंगे? जनता मन बना लिया है जो ये गारंटी रोधी जी, आप देखिए बहुत दुखद बात है, एक देश के प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पर बात करना चाहिए। अरे आप युवा को नौकरी का कैसे सृजन करेंगे, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आप मंगलसूत्र पर आ गए, मंगलसूत्र छिन जाएगा तो हम लोग तो पैदा हुए 1953 से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते, जो भारत में जन्म लिया सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, एक जगह रहते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आप ये क्या भाषण दे रहे हैं? तो आज पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, लोग सोचता है कि हमें समाज को बांटने का काम करना है। जब तक सौहार्द वातावरण नहीं बना रहेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण नहीं होगा। इसलिए जनता ने ठान लिया है इंडिया गठबंधन को जिताना है, बीजेपी को हटाना है। और आपका मुकाबला केवल बीजेपी उम्मीदवार से नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है कि ये सीधा मुकाबला तो जो भी इंडिया ब्लॉक के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला है, क्योंकि मुख्य चेहरा वो हैं, कैंपेन वो कर रहे हैं और जिस धारदार अंदाज में करते हैं वो सभी लोग देखते हैं, तो मुकाबला दो तरफा है। देखिए मुकाबला जो है, देखिए हम तो क्षेत्र में भाषण में कहते हैं, जब आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुने एमपी को चुन रहे हैं, एमपी कौन बढ़िया है जो आपके बीच में काम कर सकता है, आपको आपके बीच में वो एमपी आ सकता है, आपका दुख दर्द में सम्मिलित हो सकता है, कौन एमपी है जो आपका क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हो सकता है, उसको चुनिए। हम प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, हम अपना क्षेत्र का एमपी चुन रहे हैं। तो लोकसभा के सांसद उसको चुनिए जो आपके बीच में रह के आपके समस्या का निदान करें, उसको चुनिए, मेरा तो यही बात है। और पश्चिमी दिल्ली का ये जो क्षेत्र है और जो इसकी चुनौतियाँ हैं, जब आप ये कहते हैं कि चुनावी सीट पर ख़ास तौर से सबकी नज़रें रहती हैं, तब वो क्या फैक्टर देखते हैं जो आपके पक्ष में जाने वाला है? जनता परेशान है और जनता सोचती है जो 10 साल में जो कोई यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, विकास का काम नहीं हुआ, और जनता में वो सोचता है जो प्रधानमंत्री यहाँ काम नहीं करने, काम तो करेगा एमपी, तो हम एमपी ऐसे एमपी को चुने जो हमारे बीच में रह के हमारे समस्या का निदान करें, इसलिए हमारे तरफ लोग झांक रहे हैं। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जनता को, जब आप इस माध्यम पर बैठे हैं और ये बताने के लिए कि हाँ मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरे वो तमाम वादे भी हैं जो आपने जिक्र किया है, तो क्या मैसेज देंगे? मैं सारे जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो ये प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं एमपी का चुनाव, आपके क्षेत्र में 2 MP के रूप में खड़े हैं, उस कैंडिडेट में पहचानिए जो कौन आपके बीच में रह के आपके काम करेगा, आपके सुख दुख का साथी रहेगा, किसको आप अनुभव है उस अनुभव का लाभ उठाइएगा, ऐसे कैंडिडेट को जिताइए जो आपके बीच में रह के आपका विकास कर सके, ऐसे को जिताइए। तो उसमें मैं जनता से निवेदन करता हूँ, जो आपको लड़कों बच्चों की भविष्य का निर्माण करना है, तो इंडिया गठबंधन कैंडिडेट महाबल मिश्रा के झाड़ू छाप पर बटन दबा के जी, तो आपने चुनावी अपील कर दी है। हाँ चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे महाबल मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और गठजोड़ में जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है पश्चिमी दिल्ली से, वो ताल ठोक रही हैं। ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पश्चिमी दिल्ली का इलाका और जिस तरीके से इस सीट पर यहाँ पर विधायक के तौर पर अब उनके बेटे भी यहाँ से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा, तो दूसरी तरफ अब वो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के लिए, ताल ठोक रही हैं और ये बड़ा चुनावी मुकाबला बनकर उभर रहा है इस सीट पर, समीकरण बदले हुए हैं, फैसला जनता जनार्दन को करना है। तो इस खास एपिसोड में मुझे दीजिए इजाज़त मेरी पूरी टीम के साथ, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।